मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अहम फैसला लिया है। जो मायावती दावा करती हुई नजर आ रही थी कि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वह किसी भी गठबंधन के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी, लेकिन मायावती ये भी साफ कर चुकी हैं पहले ही कि वह एक ऐसे क्षेत्रीय दल के साथ जुड़ना जरूर पसंद करेंगी जिसका संबंध ना तो इंडिया गठबंधन से हो ना ही भारतीय जनता पार्टी से, और मध्य प्रदेश में यही नजारा देखने को मिला है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मायावती जो साफ तौर पर दावे कर रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, मायावती की पार्टी को गठबंधन से जोड़ने की कोशिशें जारी हैं तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। 28 राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, और ऐसे में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की चुनौती यही है केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, कि वह सत्ता से मोदी सरकार को हटा देंगे 2024 में। लेकिन मध्य प्रदेश में भी इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और इन विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने एक बेहद बड़ा दांव खेला है। 230 विधानसभा सीटों को लेकर मायावती की क्या कुछ प्लानिंग है, ये आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठबंधन कर चुकी है। इसकी जानकारी शनिवार को पार्टी के पदाधिकारियों ने दी है। बसपा के राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम और जीजीपी के राष्ट्रीय महासचिव बलवीर सिंह तोमर ने भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन किया और इस दौरान बताया कि उनकी सीट बंटवारे की व्यवस्था के अनुसार बसपा 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जीजीपी 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दोनों पार्टियों ने जिस तरह से यहाँ पर गठबंधन किया है, इसके बाद एक बयान भी जारी किया। दलितों, आदिवासियों, महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश में इस गठबंधन की सरकार बनेगी। इससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का तानाशाही और पूंजीवादी शासन भी खत्म हो जाएगा, गरीबों को न्याय मिलेगा। इस तरह से देखा जाए तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने ये बड़ी रणनीति बनाई है। मालूम हो कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, और देखा गया कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। अब देखना यही दिलचस्प होगा, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 130 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी, बीजेपी सत्ता में एक बार फिर से आने का दावा कर रही है। देखते हैं कि मायावती की ये रणनीतियां क्या वाकई में रंग लाती हैं या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।